खबर उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां रामपुर से आए सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बलिदानी कर्मवीर सिंह की पुण्यतिथि पर याद किया, साथ ही उनके पराक्रम और बहादुरी के बारे में भी लोगों को बताया। कहा कि देश के प्रति सेवा करने की प्रबल इच्छा ने उन्हें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में आकर्षित किया था। असमोली के गांव सैदपुर जसकोली निवासी बलिदानी कर्मवीर सिंह की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में रामपुर के सीआरपी ग्रुप केंद्र के अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने बलिदानी कर्मवीर सिंह के स्वजन के साथ उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बताया कि कर्मवीर 27 सितंबर 2001 को भर्ती हुए, 5 जून 2007 को राज्य पुलिस की ओर से तलाशी अभियान और उग्रवादी प्रभावी अगस्त के लिए 2 प्लाटून उपलब्ध कराने की मांग की थी। 62 बटालियन की 2 प्लाटून राजेश कुमार कंपनी कमांडर के नेतृत्व में ड्यूटी के लिए पैदल प्रस्थान किया था। दोनों प्लाटून जब राज्य पुलिस के साथ बिहार के गांव खासा की ओर बढ़ रहे थे, घटवार बाबा मंदिर के करीब 500 मीटर पहले घात लगाए बैठे उग्रवादियों ने विस्फोट कर दिया। हादसे में सीआरपीएफ के 3 बहादुर जवान बलिदानी हो गए थे। बच्चे आते हैं घर साल का मार जाते, उसके बाद हमारे माँ बाप का कोई घर ही नहीं होता कि कौन देख रहा था, कौन रहा था कि जरूरत है कोई, हम सब एक हो जाए। हमारी देख रेख करने वाला कौन है, सेंटर में जरा पुलिस फोर्स है, कोई भी फोर्स है, किसी भी फोर्स में भर्ती हो जाते तो हमारे देश में कोई सेना करती है। तो जब कैंसिल हम मैं कैंसिल जाने वालों 7 साल हो गया, तो अभी घर की तरफ क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरे को 7 साल तक हमारे परिवार ने देखा, तो उन्हीं के साथ रहे हैं, उन्हीं के साथ खाए हैं, उन्हीं के साथ कुछ हमारे दोस्त चले भी हैं, कुछ है कुछ जाएंगे। तो जो बंदा हो जाता है उसको जाना एक जरूरी है। लेकिन ये होता है कि समय से जाना और देश समय से जाना, लेकिन जिसने अपने देश के लिए अपने बलिदान कर दिया उसका जाना बहुत ही मान्य माना जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।